मैथमेटिक्स में अगर कहा जाए तो वास्तव में डॉक्टर आर्य शर्मा इज ए विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप आर्य शर्मा सर के बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप आईटी को चुटकी में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके बुक में वो सारे टेक्निक, सारे मसालेदार क्वेश्चंस हैं जो आपको आईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहिब के ही बुक का क्लास 9। लेकिन जिस दो क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए बी सी एक कोई भी ट्रायंगल है, इसके साइड्स ए बी बी सी और सी ए जो 3 साइड्स हैं वो साइड्स के पैरेलल वर्टिसेस से लाइंस खींच लेते हैं। जैसे ए, तो ए से एक लाइन खींचा आर क्यू, ठीक। ये आर क्यू बी सी के पैरेलल है, फिर यहां पर दूसरा वर्टेक्स है सी, ए बी सी ट्रायंगल का, तो सी से आर पी एक लाइन खींचा जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक। और फिर एक और वर्टेक्स है बी, ए बी सी में से थर्ड वर्टेक्स बी, बी के थ्रू बी से पास करने वाला एक लाइन क्यू पी या पी क्यू बोलो जो कि पैरेलल होगा सी ए या ए सी के। तो हमको प्रूफ करना है बी सी, दैट इज दिस लेंथ बी सी, ये वाला बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। जैसे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। इफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स मैं बोल रहा हूं, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ ऑपोजिट साइड्स दैट मीन्स दोनों पेयर आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां पर तुम देखो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी का ही हम लोग यूज करेंगे। सी बी पैरेलल होगा आर ए के, आर ए, क्योंकि अगर सी बी पूरा के पैरेलल है तो सी बी आर ए के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक। फिर ए बी पैरेलल है आर सी के, ए बी इज पैरेलल टू हम कह सकते हैं आर सी, क्योंकि आर सी आर पी का ही पार्ट है, तो ए बी इज पैरेलल टू आर सी। अब देखो ए बी पैरेलल टू आर सी और यहां से सी बी पैरेलल टू आर ए, ये भी पैरेलल है, इसका मतलब आर ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम। Therefore, R A B C is a parallelogram. जब ये parallelogram हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका opposite sides equal होगा। Therefore, CB या BC. Therefore, BC is equal to BC is equal to RE. इसको हम लोग equation number 1 रखेंगे, बाद में काम आएगा। अब हम लोग इस साइड मुड़ जाते हैं, इधर इधर जब मुड़ेंगे तो ये जिस पर मैं ये चौक घुमा रहा हूं, जिस लाइन पर, उसको देखो सी बी पैरेलल टू ए क्यू, डेफिनेटली सिंस सी बी पैरेलल ए क्यू। और फिर दूसरा पार्ट बी क्यू पैरेलल सी ए, क्योंकि ये पी क्यू पैरल सी ए है तो इसका ये पार्ट इसके इक्वल होगा ही। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे बी क्यू पैरल सी ए। देयरफॉर
ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए क्यू बी सी, देयरफॉर ए क्यू बी सी इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं बी सी या सी बी, तो बी सी लिखेंगे। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू AQ। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के मुताबिक अब ये जो दो इक्वेशन है दोनों को जोड़ दो, BC प्लस BC, BC प्लस BC इज इक्वल टू RA प्लस AQ। तो BC प्लस BC को तो हम लोग 2BC लिखेंगे, इज इक्वल टू RA प्लस AQ, आर ए प्लस ए क्यू इजकल टू आर क्यू, आर क्यू लिखेंगे, आर क्यू, आर क्यू को हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, ये टू इधर आके हाफ हो जाएगा और ये आर क्यू हो गया या क्यू आर हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये ज्यादा मजेदार है, ज्यादा इसमें मसाला है, और जब मसाला आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो बनाने का मजा चार गुना हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 11 है, डॉक्टर साहब के बुक का ये क्वेश्चन है, क्लास 9। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये दो क्वेश्चन काफी मजेदार है, और ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा झंडाटेदार है। गिवन क्या है? पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्लियर? देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। अब ये कहता है कि पी का एंगुलर बाइसेक्टर और क्यू का एंगुलर बाइसेक्टर, यानी एंगल पी का बाइसेक्टर और एंगल क्यू का बाइसेक्टर ओ पर बीट करता है, ठीक, क्लियर? इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हम लोग इसको सहूलियत के लिए एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, और इस एंगल को वाई अगर मान ले तो ये भी वाई हो जाएगा। अच्छा रहता है, मान लोगे तो शॉर्टकट में निकलता है। अब एक इसमें और बात है, वो ये कि एल एम इज ए लाइन, एल ओ एम, सॉरी, एल ओ एम इज ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। ये एल ओ एम एक ऐसा लाइन है जो पी क्यू के पैरेलल है। अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त बात यहां पर सोचने लायक है कि पी क्यू और एल एम तो पैरेलल है, और इतना सा यानी पी एल और क्यू एम भी पैरेलल है, तो ये एल पी क्यू एम एक पैरेललोग्राम होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम हम उसको बोलेंगे जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल खाली हो जाए। खाली अगर पैरेलल हो जाए ऑपोजिट साइड्स का दोनों पेयर, तो वो पैरेललोग्राम हो गया। तो एल पी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है पी एल इजकल टू क्यू एम और ओ एल इजकल टू ओ एम। ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए, देखिए पी ओ is the angular bisector of angle P. Therefore, this angle is equal to this angle. Angle LPO is equal to angle POQ. ये दोनों एंगल इक्वल होगा, हम इसको x मान लेते हैं। अब देखो ये PQ और ये वाला लाइन, ये जिसको हम लोग LM बोलेंगे, ये पैरेलल है। तो LM का काम हमको नहीं है, हमको LO का ही काम है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एल ओ, और जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एल ओ पी, एंगल एल ओ पी, हम इसको अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, क्लियर? अब देखो ये ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल एल ओ पी, एल ओ पी या एल पी ओ,
इंट्रेंगल, इंट्रेंगल एल पी ओ, इस ट्रेंगल पे ये दोनों एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, हम लोग प्रूव किए, दिया तो नहीं था, ये एंगल एक्स और ये एंगल एक्स, तब ये दोनों एंगल इक्वल है या प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक एल पी इज इक्वल टू एल ओ, देयरफॉर एल पी इज इक्वल टू एल ओ, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इधर प्रूव किए उसी तरह से हम इधर भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, तो देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ओ एम होगा ही, और ये दोनों एंगल इक्वल है, वाई वाई पहले ही हम लोगों ने मान रखा है, तो जब ये ओ एम इज पैरेलल टू पी क्यू तो ये ट्रांसवर्सल है ओ क्यू, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई हो जाएगा, हो गया। अब इस ट्रेंगल में इंट्रेंगल ओ एम क्यू, इंट्रेंगल ओ एम क्यू, दिस एंगल इज वाई and this angle is y, that means angle MOQ is y and angle MQO is y, जब दो एंगल इक्वल है तो isosceles triangle के प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका दो साइड, जो दो इक्वल एंगल है उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली हम बोल सकते हैं OM is equal to ओ एम इज इक्वल टू एम क्यू, एम क्यू। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पी एल, एक बात, जब पी क्यू और एल एम पैरेलल दिया हुआ है और पी एल और क्यू एम पैरेलल दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एम एल इज ए पैरेललोग्राम, ये तो पहले ही हो गया, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम, PQ is parallel to LM given, और LP is parallel to MQ, LP is parallel to MQ, ऐसा क्यों, क्योंकि ये PQRS parallelogram है तो इसका opposite side ये PS और इसका ये RQ parallel होगा ही, तो जब पूरा इसके parallel है तो इसका छोटा सा part parallel होगा ही, अगर opposite sides parallel है तो ये एक parallelogram हो गया, यानी कि एल पी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एल पी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम, और जब ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट साइड पी एल इज इक्वल टू क्यू एम, देयरफॉर पी एल इज इक्वल टू क्यू एम, और पहला पार्ट तो पहले ही प्रूव हो गया, पी एल इक्वल टू क्यू एम, पी एल इक्वल टू क्यू एम, ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, अब हम लोगों को प्रूव करना है ओ एल, तो ओ एल यहां वाला ये है और ओ एम ये वाला है, अब देखो ये जो दो इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ, इस दोनों इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एल पी इक्वल टू एल ओ, LP is equal to LO and OM is equal to MQ, लेकिन LP is equal to MQ हम लोग पहले यहां पर LP is equal to MQ प्रूव कर चुके हैं, तो LP और MQ जब बराबर है, क्वेश्चन नंबर वन को प्रूव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि LP और MQ इक्वल है, सिंस LP इज इक्वल टू एम क्यू, तो एल पी के जगह पे हम एल ओ लिखेंगे और इज इक्वल टू एम क्यू के जगह पे हम लोग ओ एम लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर टू प्रूव करना क्या था, ओ एल इक्वल टू ओ एम, एल ओ को ओ एल लिखने में क्या हर्ज है, और ओ एम इक्वल टू ओ एम, क्वेश्चन नंबर टू भी प्रूव, ये ऑडिशन मास्टर है, इनके क्वेश्चंस को बनाओ, दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ये एक बच्चे का डिमांड था और आज मेरा दूसरा वीडियो आता, लेकिन उनको मैंने बताया था कि संडे को ये वीडियो शाम में आपको मिलेगा,
और आज मैंने यानी सैटरडे को मैंने उनका कमेंट पढ़ा और अभी 7 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। इसलिए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि 9th class, 10th class, 8th class, 6th class किसी भी क्लास की बात हो आप क्वेश्चन पूछिए, समय मिलते ही समय निकाल के मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। आपको किसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट मी, राजेश ट्यूटोरियल्स पर विश्वास कीजिए और आंख बंद करके सब्सक्राइब कीजिए, ठप्पा लगा के। जय हिंद, जय भारत।